अधिगम की जो सिद्धांत है उनके विषय में चर्चा करेंगे। मुख्यतः अधिगम के सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है संबंधवादी सिद्धांत, आपका पहला होता है संबंधवादी सिद्धांत, और दूसरा होता है संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब बात आती है कि संबंधवादी सिद्धांत क्या है और संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है। तो संबंधवादी सिद्धांत वो होता है जिसमें कहीं ना कहीं उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध स्थापित करके अधिगम की प्रक्रिया की जाती है, इसमें इसे संबंधवादी सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा आपका है संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत में बालक जो अधिगम करता है वो कहीं ना कहीं उसके संज्ञान का परिणाम होता है, अपने संज्ञान के कारण ही वह अधिगम करता है। अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत में सबसे पहला जो प्रमुख नाम आता है वह ईयर खांडाई का। ईयर खांडाई ने अधिगम के विषय में अधिगम के विषय में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक ई एल खांडाई हैं। ये अमेरिका के रहने वाले थे। दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछता है आपसे सिद्धांत खांडाई के इसी सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को बंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। बंधन सिद्धांत कहा जाता है। और आप देखेंगे इसी सिद्धांत को आगे चलकर के यस आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। यस आर टाइप थ्योरी, ये खांडाई का एक सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उसके अन्य नामों में संबंधवाद का सिद्धांत, प्रत्ययोग मूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, बंधन सिद्धांत, ये यस आर टाइप थ्योरी अनेक नामों से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है ये परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कभी कभी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ना पूछ करके प्रश्न पूछ लेता है संबंधवाद का सिद्धांत किसके है या प्रत्ययोग मूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऐसी परिस्थिति में आपका ये ज्ञान कि प्रत्ययोग मूल के सिद्धांत के प्रतिपादक ईयर खांडाई है।